हम लोग एसजी ऑफिस की तरफ जा रहे थे कि आज कांग्रेस ने ऐलान किया था पूरे भारतवर्ष में महंगाई के खिलाफ और लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, ना तो पार्लियामेंट के अंदर बोलने दिया जा रहा है तो हमारे एमपीज को, ना हम जैसे लोगों को जो सत्याग्रही हैं, जो गांधी जी के विचारों पर चलते हैं, उनको भी आज इन लोगों ने प्रदर्शन कर रहे थे, हमें नहीं करने दिया था। उनको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आंखें पट्टी बांधी हुई है, वो धितराज बने हुए हैं, उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि आज महंगाई की मार जीएसटी क्यों लगाया इन लोगों ने इसके ऊपर, ये जीएसटी के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। इनको पता है, इनको पता है हमने गैर कानूनी और गैर आइनी फैसले लिए हैं आज के दिन पर 2019 में, जिसको लेकर सारे जम्मू कश्मीर के लोग नाराज हैं। और हमने डिमांड भी की थी आने वाले 15 अगस्त को देश के प्राइम मिनिस्टर को जम्मू कश्मीर को अपना स्टेटस वापस देना चाहिए और यहाँ पर असेंबली चुनाव कराने चाहिए। कुछ लुटेरों के हाथ जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा जा रहा है, यहाँ जमहूरियत को कुचला जा रहा है, इसलिए जमहूरियत बहाल करने के लिए 15 अगस्त को ऐलान करें कि यहाँ पर असेंबली चुनाव हो, वरना ये 3 साल जम्मू कश्मीर के बर्बाद हो गए।